तो आज की इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करने के बाद आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं आपके चैनल को लेकर के कि क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा, या फिर जिस तरीके से मैं कंटेंट बना रहा हूँ अपने चैनल में वह यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस में फिट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा, वो तमाम सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूँ। सो इसलिए आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कभी किसी के पास नहीं जाएंगे कि भाई मेरा चैनल चेक कर दो। आप ही में से काफ़ी सारे लोग के मुझे मैसेज पड़े रहते हैं व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरा चैनल चेक कर दो। ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, आप अपना चैनल खुद चेक कर पाएंगे इस वीडियो को वॉच करने के बाद। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है आपके चैनल में तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड सबसे पहले अपने चैनल में अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो डाउट है दोस्तों अभी भी लोगों के अंदर भरा पड़ा हुआ है, ये कि अपने चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है यूट्यूब का, मतलब लोग अभी भी कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले बताओ दोस्तों, अभी जो प्रेजेंट में जो क्राइटेरिया यूट्यूब का अपने चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए, यहाँ पे है दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर आपके 365 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, और साथ साथ 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 365 दिन के अंदर का। यहाँ पे दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आपका चैनल कितना पुराना है, चाहे आपने आपको चैनल बनाया 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ये सब मैटर नहीं करता है। जैसे ही आपके चैनल में 365 के अंदर का 4000 घंटे का ये वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये डाउट अब आप क्लियर कर लें कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, और साथ साथ में एक और चीज ऐड हो गई है कि आपके चैनल में किसी भी प्रकार की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। पहले स्ट्राइक होने के बावजूद भी चैनल मोनेटाइज हो जाते थे, लेकिन अब अगर आपके चैनल में किसी भी प्रकार की स्ट्राइक हो, चाहे वो कॉपीराइट हो या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस हो, किसी भी प्रकार की अगर स्ट्राइक है तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। जब आपके चैनल से ये कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी स्ट्राइक रिमूव हो जाएगी तब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है YouTube का क्राइटेरिया है अपने चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए। तो आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर Instagram पे मुझे मैसेज कीजिए। तो अब चलिए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की ओर जिसके लिए आपने अभी तक इंतजार किया है। एक चीज़ और छूट रही है दोस्तों, हाँ, आप ही में से काफ़ी सारे लोग के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं और वो बोलते हैं भाई मेरा चैनल चेक कर दो, और जब मैं उनके चैनल पे विजिट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे उनका कुछ भी कंटेंट नहीं मिलता है। वो क्या करते हैं कि किसी का कोई सा भी वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल में अपलोड कर रहे हैं, कोई म्यूजिक का वीडियो या फिर एल्बम सॉन्ग, तो कोई कॉमेडी, मतलब किसी का दूसरे का कंटेंट डाउनलोड करके अपने चैनल में अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे चैनल किसी काम के नहीं है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, ना ही ऐसे चैनल मोनेटाइज किए जाते हैं, और ना ही ऐसे चैनल ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे चैनल से लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो किसी काम का नहीं है आपका चैनल, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप अपना खुद का कंटेंट नहीं बनाएंगे तो आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। तो दूसरों का कंटेंट डालना बंद कीजिए और अपना खुद का कंटेंट बनाइए। तो चलिए मानते हैं अगर आपके चैनल का टॉपिक ही ऐसा है कि हमें दूसरों का कंटेंट यूज करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे दोस्तों आपका कम से कम 75% काम होना चाहिए। आप 25% दूसरों का कंटेंट यूज कीजिए, लेकिन कम से कम आपका 75% आपका तो कंटेंट होना चाहिए। यूट्यूब को लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई है जो खुद से मेहनत कर रहा है, खुद से वीडियोज़ क्रिएट कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी का कुछ भी डाउनलोड करके अपने चैनल में अपलोड करना स्टार्ट कर दिया और लग गए भाई सब्सक्राइबर बढ़ा दो, भाई वॉच टाइम इंक्रीज करवा दो। तो ऐसे चैनल आप लोग बंद कीजिए और आप अपना खुद का कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए। और एक और डाउट दोस्तों जो कि मुझे अभी याद आ रहा, आप ही लोग के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है लेकिन आपके नॉलेज के लिए काफ़ी काम आएगा जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके आप ही को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही। तो सबसे बड़ा डाउट एक और है दोस्तों जो है लोगों के अंदर कि अगर मैं अपने चैनल में स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाता हूँ, यानी कि फेस का वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाते हैं तो भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन होगा, अगर आप फेस का वीडियो बनाते हैं तो भी आपका चैनल का मोनेटाइज ऑन होगा। देखिए तो ये डाउट भी आप क्लियर कर लीजिए, अगर आप विदाउट फेस का वीडियो बनाते हैं तो भी आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आप विदाउट फेस का वीडियो बनाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इनकी लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देना चाहिए, ताकि जब भी आप अपने चैनल को अंडर रिव्यू भेजो तो यूट्यूब उन लिंक्स के थ्रू आपके साथ वेरीफाई कर सके। तो ये जरूर कीजिए आप। बाकी आप लोग ये डाउट में ना रहे कि हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियोज बनाते हैं, अपनी वीडियो जो फेस वगैरह नहीं दिखाते हैं तो हमारा चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। सबका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन होगा, बस कंटेंट जो है हमारा खुद का होना चाहिए, दूसरों का कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि YouTube पे किस टाइप के चैनल्स मोनेटाइज किए जाएंगे और किस टाइप के चैनल्स मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे, यानी कि किस टाइप के जो कंटेंट है YouTube के जो कम्युनिटी गाइडलाइंस वहाँ पे फिट बैठेंगे और किस टाइप के कंटेंट YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस पे फिट नहीं बैठेंगे। तो देखिए YouTube पे काफ़ी सारे कैटेगरी के चैनल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा टेक कैटेगरी के चैनल्स की, क्योंकि ज़्यादातर लोग टेक कैटेगरी का ही चैनल स्टार्ट करते हैं। तो टेक कैटेगरी के चैनल्स पे ज़्यादातर चीज़ें यही होती हैं कि आप सिखाते हैं लोगों को,
जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से चैनल्स होते हैं टिक टिक, तो इस कैटेगरी के जो चैनल्स हैं वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत सिखाइए जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो। यहाँ पे देखिए क्या क्या खिलाफ है, आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत सिखाइए जो हैकिंग हो, आप अपनी वीडियोज में हैकिंग बिल्कुल मत सिखाइए। देखिए हैकिंग क्या होती है, मान लो अगर आप जैसे यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड करें गैलरी में, और यहाँ पर यूट्यूब नहीं चाहता कि हमारी कोई भी वीडियो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड की जाए, तो यहाँ पर अगर आप ज़बरदस्ती का अपनी वीडियो में सिखा रहे हैं कि भाई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऐसे यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, तो ये एक हैकिंग हो गई। आपको इस टॉपिक पे जरूर से जरूर कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक मिलेगी। अगर आप इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं जैसे कि रमी प्राइज मनी, आप ये खेल के इतना पैसे कमा सकते हैं, मतलब इस प्रकार का कंटेंट भी यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, ये भी आप यहाँ पर भी लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और ऐसा कंटेंट तो बिल्कुल मत बनाइए कि आप इतने पैसे लगा कर आप यहाँ पर इतनी जीत सकते हैं, ऐसा भी यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। मतलब हैकिंग जैसे कि व्हाट्सएप हैक्स लोग बताते हैं, तो इस प्रकार का कंटेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप इस प्रकार का कंटेंट अपने चैनल बना रहे हो तो आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, और जैसे ही अगर आपकी वीडियो उस यूट्यूब के चैनल में यूट्यूब के पकड़ में आएगी तो आपकी वीडियो को सीधा डिलीट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक भी दे दी जाएगी। तो ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी मत बनाइए। अभी रिसेंटली एक चैनल डिलीट हुआ था, उसका मैंने देखा था, उसने इस प्रकार की मतलब बहुत गंदी गंदी वीडियो बनाई, जैसे कि कोई ऐप जो किसी लड़की के कपड़े उतार दिए, इस प्रकार कंटेंट बनाया था, तो उसका चैनल सीधा डिलीट ही कर दिया गया था। तो आप भी ऐसा कंटेंट बिल्कुल मत बनाइए अगर आपका चैनल टिक कैटेगरी का है तो। और अब बात करते हैं रोस्ट कॉमेडी गेमिंग चैनल्स के बारे में कि इनमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आप किसी भी प्रकार का चैनल हो तो आपको सबसे पहले जिस थंबनेल पे ध्यान देना चाहिए, अगर आपके थंबनेल में न्यूडिटी वगैरह है, मतलब नंगापन आपने दिखाया हुआ है, फोटोज में ज़्यादा व्यूज़ के लिए क्लिकबेट किया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपका चैनल। अगर इस प्रकार से अगर आप थंबनेल बना रहे हो अपनी वीडियो में तो आपको सीधा स्ट्राइक मिल सकती है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए अगर आप गलत तरीके का हैशटैग यूज़ करो तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हैशटैग आप सिर्फ 3 ही यूज़ कीजिए और अपने चैनल से रिलेटेड ही हैशटैग यूज़ कीजिए। जिस प्रकार का आप टॉपिक है आप वो टॉपिक से रिलेटेड ही हैशटैग यूज़ कीजिए। अगर आप गलत तरीके का हैशटैग यूज़ करेंगे तो आपको आपके जो वीडियो का जो मेटा डाटा है वो मिसलीडिंग कंटेंट में आ जाएगा, तो आप गलत तरीके का बिल्कुल भी हैशटैग मत यूज़ कीजिए। आपका जिस भी टॉपिक पर वीडियो है वही आप टाइटल रखिए, वही आप टैग लगाइए, वही आप डिस्क्रिप्शन पे लिखिए और उसी प्रकार के हैशटैग लिखिए। तो यहाँ पर आप अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाइए। और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी वीडियोज़ पर यूज्ड कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कॉपीराइट म्यूजिक वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉपीराइट म्यूजिक का यूज़ करते हैं तो आपको क्लेम वगैरह आएंगे और अर्निंग वगैरह आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और गेमिंग के चैनल वालों के लिए आपको बता दूं कि आपके चैनल में गाली गलौज वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जितनी गालियाँ लीगल है उतनी ही गालियाँ आप कीजिए, लेकिन अब हद से ज़्यादा अगर आप गाली गलौज करेंगे तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया जाएगा। और एक और चीज़, आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, आपके कंटेंट में हार्मफुल कंटेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप कोई वीडियो बनाएं वहाँ पे आप डराने वाली चीज़ दिखा रहे हो, जिससे बच्चे डरते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया जाएगा, शायद वीडियो डिलीट हो जाएगी। ऐसा अगर आप बंदूक वगैरह दिखाएंगे, लोगों को धमकाने वाली वीडियोज़ बनाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी यूट्यूब पर अब अलाउ नहीं है। बस यही चीज़ें कि आप अपनी वीडियोज़ में ये बिल्कुल ना सीखें जिससे लोगों को कोई नुकसान हो, मतलब इस प्रकार का कंटेंट नहीं होना चाहिए। आप बाकी खुद समझदार हैं कि हमें किस प्रकार की वीडियोज़ बनाना चाहिए जिससे लोगों को एक संदेश पहुँचे, पॉजिटिव मैसेज पहुँचे। भड़काने और ये लड़ाने वाली वीडियोज आप बिल्कुल भी मत बनाइए। बाकी सारी चीज़ आपको समझ में आ ही गई होंगी। इन सारी चीज़ें सुनने के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने चैनल का नेम जरूर कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपका चैनल चेक करके आपके वीडियोज में कमेंट करके क्या कमियां हैं, क्या गलती है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता सकूं। तो कमेंट सेक्शन में अपने चैनल का नेम जरूर लिख दीजिएगा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आ जाइए सीधे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।